statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Dolan Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official demarche. Of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet all, each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. I am surprised by the remarks of President Biden. I believe this is exactly the sort of misunderstanding that is created when there is a lack of engagement. Assalamualaikum, मैं हूँ एमन चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स. आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, अमार मसूद साहब, सलमान आबिद साहब और हमें साथ रहेगा नसीम सिद्दीकी साहब का. नाजरीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी अजायम खुलकर बिलाखिर सामने आ चुके हैं. अक्वामे मुत्तहदा में रूस के ख़िलाफ़ गैर जानिबदार रहने पर अमरीका ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया है और अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेस की मुहिम कमेटी से खिताब किया जिसमें चीन और रूस का ख़ास तौर पर तज़किरा किया गया और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ख़तरनाक ममालिक में से एक है क्योंकि इसके जौहरी हथियार गैर मुनासिब हैं. अमरीकी सदर के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर न सिर्फ पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल का इजहार किया गया है बल्कि अमरीकी माहिरीन भी इसे बेबुनियाद बयान पर हैरान हैं और हुकूमत ने जो बाइडन की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई पर थोड़ी देर पहले अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा भी तलब किया है. शदीद एहतजाज किया गया है और एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया है जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अमरीका को आड़े हाथों लिया और कई सवालात पूछे हैं और फिर मुतालबा भी किया कि पाकिस्तान ना अमरीका की तरह किसी जंग में मुलविस रहा है और ना ही पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जारियत की है.